driving on the road. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ नूडल्स की, जो आपके घर में इतनी इजीली 5 मिनट्स में बना सकते हैं और बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आते हैं नूडल्स। जब कुछ मन करता है यम्मी सा खाने के लिए इवनिंग स्नैक्स में, तो बाहर से अच्छा है घर में बने हुए नूडल्स आप खा लीजिए। तो यहाँ मैंने ऑयल के अंदर प्याज को सॉटे किया है, उधर मैंने नूडल्स अपने बॉयल करके रख रखे थे। अब मैं ये कैप्सिकम डाल रही हूँ। अब इसे थोड़ी जो गैस है वो आप उसकी आंच तेज ही रखिएगा, उसी में हमें सॉटे करनी होती है। चाइनीज़ की एक टिप्स है कि चाइनीज़ रेसिपी जितनी भी बनती हैं वो स्लो गैस पे नहीं बनती हैं, और हमें जल्दी इन्हें सॉटे करना होता है सब्जियों को। अब मैं इसमें कैरेट डाल दूँगी, कैबेज डाल दूँगी जो कि मैंने स्लाइस किए हुए हैं बहुत बारीक बारीक, और आप ज़्यादा वेजिटेबल्स भी मैं डालेगा उतनी डालिएगा जितनी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे फिर वेजिटेबल्स खाते भी नहीं हैं। ये देखिए मैं सॉटे कर रही हूँ अब सारी वेजिटेबल्स। इसके बाद मैं हल्का सा नमक डाल दूँगी इसमें। हमें ना कवर करके नहीं पकाना है ये वेजिटेबल्स, वरना ये सॉगी हो जाएंगे। हमें इनमें क्रंच रखना है, तभी टेस्ट आता है नूडल्स के अंदर इनका, वेजीज का। अब ये वेजीज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। मैं बहुत दिनों बाद रेसिपी शेयर कर रही हूँ, अब मैं कोशिश करूँगी फिर भी कि मैं डेली एक रेसिपी तो डाल ही दूँ, अपलोड कर दूँ। या आप बच्चों के लिए लंच में भी, जैसे मॉर्निंग में जाना होता है बच्चों को, तो आप रात को ही वेजेस कट करके रख सकते हैं और मॉर्निंग में नूडल्स भी रात को बॉयल करके रख सकते हैं और फटाफट सुबह बना सकते हैं। वैसे इंस्टेंट अगर आप नूडल बॉयल करेंगे तो उसका अलग ही टेस्ट आएगा। ये देखिए नूडल्स मेरे कितने खिले खिले हैं, कोई भी आपस में स्टिकी नहीं है। अब मैं ये नूडल्स को इन वेजिस के अंदर डाल दूंगी। बहुत टेस्टी नूडल्स बने थे ये, बच्चों ने को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और देखिए इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ भी नहीं है जो बच्चों को नुकसान करेगी। और आजकल तो व्हीट नूडल्स भी आते हैं, स्पैगेटी आती हैं, सब की रेसिपी एक ही टाइप की होती है, तो आप इसमें स्पैगेटी भी डाल सकते हैं। अब हम मिक्स कर लेंगे नूडल्स को वेजीज के साथ। अब हम नूडल्स को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि वेजिटेबल प्रॉपरली मिक्स हो जाए। आजकल बच्चे ऐसे ही चाइनीज़ फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यही होता है कि घर में बनाएं। ये मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी हैं। और ये मैंने ब्लैक पेपर डाली है, काली मिर्च, अगर आपके पास मैगी मसाला है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें अभी मैं विनेगर डाल दूंगी, चिली विनेगर है ये, वो भी डाल देंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टैंगी टेस्ट आ जाएगा नूडल्स में। मेरे पास सोया सॉस ख़त्म हो रही थी, वरना मैं सोया सॉस भी ज़रूर डालती, तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, 2 टीस्पून डाल दीजिए सफिशियंट रहेगा। अब ये रेड चिली सॉस डाल रही हूँ मैं, उसके बाद आप नॉर्मल सॉस डाल दीजिए जो कैचअप होती है, टमाटो कैचअप, और उसे अच्छे से मिक्सअप दीजिए ताकि उसके फ्लेवर्स पूरे नूडल्स में अच्छे से आ जाए। और प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये मैंने कैचअप डाल दी है इसके अंदर। अच्छे से हम इसे मिक्स दे देंगे। बहुत यम्मी बने थे ये नूडल्स, देखिए कितने सुंदर बने हैं और बहुत यम्मी बने थे, और हाइजीनिक नूडल्स हैं ये। और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को, सबको, आप लोगों को जो क्रेविंग होती है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।